ओके तो इस वीडियो में करते हैं वाइल्ड टेल्स ड्रामा के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन। लास्ट एपिसोड इसलिए क्योंकि एपिसोड 4 एंड 5 काफी अलग है, जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं उन दोनों एपिसोड्स को कल एक्सप्लेन करूंगा एक नई वीडियो में। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार जश्न के साथ, क्योंकि यह शादी हो रही होती है रोमिना और एरियल की। और जश्न को देखकर तो आप ही इतना खुश हो जाएंगे कि आप नाचने लगेंगे अपने पैरों पर। और इन दोनों के दोस्त और सभी रिलेटिव्स इतना ज्यादा खुश होते हैं कि क्या बताऊं। और सभी लोग बस उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की प्रार्थना कर रहे होते हैं यहाँ पर। और जश्न के खत्म होने के बाद रोमिना और एरियल सभी रिलेटिव से मिलते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं इस दिन को यादगार बनाने के लिए। और एक लेडी रोमिना को कुछ पैसे देती है शगुन की तरह, जिस पर रोमिना कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, आप सब यहाँ पर आए यही मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। और इस पार्टी में आए सभी लोगों के बारे में बताने लगती है, जैसे कि कुछ लोग उसके कोवर्कर्स होते हैं, तो वही कुछ लोग सोशल मीडिया फ्रेंड जिससे वो कई सालों बाद मिल रही होती है अपने शादी में। बट एक लड़की को देखकर ये चुप हो जाती है क्योंकि ये उसे नहीं जानती होती। बट उसका हस्बैंड उसे काफी फ्रेंडली होकर बात कर रहा होता है, जैसे कि वो उसे काफी टाइम से जानता हो। और उसको देखकर रोमिना थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि इसके मन में शक का जहर घुल चुका होता है। और इसलिए वो अपने पर्स से फोन निकालकर कॉल करती है एक नंबर पर, जिसे उठाती है सेम वही लेडी, जिसे रोमिना और भी परेशान हो जाती है। और इसलिए वो फोन को काट करके एक बार फिर से कॉल करती है उसी नंबर पर, जस्ट टू मेक श्योर कि वो उसी को ही कॉल कर रही है। और एक बार फिर से कॉल उठाती है वो सेम लेडी, और इस बारी वो रोमिना को देख लेती है खुद को कॉल करते हुए। इसलिए वो अपने दोस्त को नाटक करने के लिए कहती है कि ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो वही रोमिना गुस्से में लाल हुए जा रही होती है क्योंकि इसे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। और ठीक यहीं पर बजती है म्यूजिक, जिसे इसका हस्बैंड आगे आता है इसके साथ डांस करने के लिए। तो वही रोमिना के चेहरे से खुशी गायब सी हो गई होती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से उस लड़की के बारे में पूछती है कि वो कौन है, जिससे एरियल एक वक्त के लिए तो सोचने लगता है। और फिर उसका नाम बताता है लूड, जिसे रोमिना उससे फिर से पूछती है कि लूडस को तुम्हारे म्यूजिक टीचर के बारे में कैसे पता चला, जिससे ये कुछ समझ नहीं पाता और उससे पूछता है कि कौन सी म्यूजिक टीचर, जिससे ये बताने लगती है कि कुछ महीनों पहले तुम्हें एक अननोन नंबर से कॉल आई थी और तुमने कहा था कि वो तुम्हारे म्यूजिक टीचर है, याद आया? मैंने वो नंबर सेव कर लिया था क्योंकि मुझे वो सस्पिशियस सा लगा। और आज जब मैंने उसी नंबर पर कॉल किया तो उसे आंसर किया लूडस ने। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नंबर तुम्हारे टीचर का है वही नंबर उस लूडस का भी, जिसे एरियल कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और एक तरह से ये बचने की कोशिश करता है उसके क्वेश्चन से। तो वही रोमिना इस पर क्वेश्चंस की बरसात किए जा रही होती है और उसे सच बताने के लिए कहती है या फिर वो खुद उसके पास जाकर उसे पूछेगी कि वो कौन है। और जब ये फिर भी आंसर नहीं करता तो ये खुद ही कहने लगती है कि तुम उसके साथ सोए थे। और यही बात वो बार बार पूछ के रोने लगती है यहाँ पर और उसे सच बताने के लिए फोर्स करती है, नहीं तो वो उसके साथ नहीं रह पाएगी। जिससे एरियल उसे सर बताता है कि ये बात सच है, बट ये बात बहुत पहले हुआ था, वो उसे चीट नहीं कर रहा। बट रोमिना उसकी एक नहीं सुनती और रोते हुए यहाँ से जाने लगती है, जिससे हर कोई परेशान हो जाता है कि क्या हुआ यहाँ पर। और रोमिना सीधा जाती है छत पर ताकि वो वहां से कूद कर सुसाइड कर ले। तो वही एरियल अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहा होता है पूरी बिल्डिंग में। और जब सीन रोमिना की तरफ शिफ्ट होती है तो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है एक वेटर और कहता है कि अगर तुम उसे प्यार करती हो तो तुम वक्त के साथ उसे माफ कर दोगी, जिस पर ये कहती है कि उसे नहीं पता कि वो उसे प्यार करती है या नहीं, पर वो उसके साथ अब और नहीं रहना चाहती। जिससे ये प्रेशर उसे प्यार से समझाने लगता है इन सब को लेकर और कहता है कि तुम अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ ये सब हुआ है, अगर तुम सबके बारे में सोचती रहोगी तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए खुद के बारे में सोचो दूसरों के बारे में नहीं। और सब कुछ भुलाकर उसे वापस से नई शुरुआत करने के लिए कहता है कि भाड़ में जाए वो पर्सन, तुम बस अपने बारे में सोचो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। जिसे रोमिना उसे रोते हुए गले लगा लेती है और कुछ देर बाद उसे किस करने भी लग जाती है। तो वही एरियल जब अपने दोस्त के साथ इसी छत पर आता है तो उसे एक जगह पर रोमिना का सैंडल दिखाई देता है, जिसे डरते हुए जब ये आगे बढ़ता है तो उसे एक जगह पर रोमिना दिखाई देती है जो कि सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है उस पर्सन के साथ। और जैसे ही एरियल उसका नाम पुकारता है रोमिना इस पर भड़कने लग जाती है
और एकदम से डायन की तरह टूट पड़ती है इस पर कि वो उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवाएगी, उसके पैसों पर ऐश करेगी, जब चाहे तब वो एक नए मर्द के साथ सोएगी, और अगर उसने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वो उसके पेरेंट्स की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी कि वो लोग उसे दहेज के नाम पर टॉर्चर कर रहे हैं। और जब तुम दर्द और निराशा से हताश होकर सुसाइड करोगे तो तुम्हारी सारी जायदाद मेरी होगी, और फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इतना ह्यूमिलिएट करूंगी कि वो शर्म से ही मर जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर एरियल यहाँ पर उल्टी कर देता है, क्योंकि ये सारी बातें किसी जहर से कम नहीं होती। और यहाँ से रुमीना वापस से पार्टी में जाती है और अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगती है, फुल टू धमाल मचाती है, क्योंकि इसे बदला लेना होता है एरियल से। तो वही एरियल भी जब यहीं पर आता है तो उसके दोस्त भी उसे उठाकर नाचने लगते हैं और कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और साथ ही वो वेटर भी अपने बाकी के साथियों को वो सारी बातें बताता है जो कि उसने अपनी आंखों से देखी होती है छत पर। तो वही रुमीना जाती है उस लड़की के पास और उसे फोर्सफुली अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, और उसका हाथ पकड़कर उसे चक्री की तरह घुमाने लगती है और फिर उसे जोर से शीशे पर ढकेल देती है उसे चोट पहुंचाने के लिए, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं इस आवाज से। और फिर से कुछ देर बाद की दिखाया जाती है जहां पर एरियल ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया होता है जो कि रुमीना ने उससे कहा था, और यही सारी बातें उसके पेरेंट्स रुमीना के पेरेंट्स से कहते हैं, जो कि एक तरह से माफी मांगते हैं अपनी बेटी की इस बिहेवियर के लिए। और जब सीन बैंक्वेट के अंदर शिफ्ट होती है तो हम उस लेडी को खून से लथपथ देख पाते हैं जिसका इलाज कर रहे होते हैं कुछ डॉक्टर्स, और इस पर तंज कसने के लिए ठीक यहीं पर आती है रुमीना, जिसे रोकने के लिए सभी लोग उसे बाहर निकाल देते हैं वहां से। पर ये रुकने वालों में से नहीं होती, क्योंकि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, और वापस से हॉल में जाकर म्यूजिशियन को म्यूजिक प्ले करने के लिए कहती है और अपने सभी दोस्तों को बुलाती है आगे की सेरेमनी के लिए, जो कि ना चाहते हुए भी उसका साथ देने के लिए मजबूर होते हैं। और ठीक यहीं पर आता है एरियल ताकि वो उसकी नौटंकी को रोक सके, और साथ ही वो उसे चेतावनी भी देता है कि अगर उसने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो वो उसके खिलाफ केस कर देगा। बट इसके कानों में तो जैसे जू तक नहीं रेंगती, और ये ठीक उसके मुंह पर उसके मॉम के लिए उल्टी सीधी बातें कहने लग जाती है, जिसे एरियल उस पर चिल्लाता है और ये बेचारा इमोशनली इतना टूट जाता है कि ये रोने लगता है सबके सामने। बट इस चुड़ैल को तो अभी भी अपनी मन की करनी होती है, और कैमरामैन को बुलाकर वो इन सब की वीडियो बनाने के लिए कहती है कि जब उसकी दोबारा शादी होगी तो वो यही वीडियो प्ले करेगी, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी यही सब कुछ दिखाएगी। और ये सारी बातें सुनकर एरियल की मॉम उसका मुंह नोचने लग जाती है, जिससे बाकी के फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं इस लड़ाई में। और इस इमोशनल अत्याचार को देखकर तो कुछ लोग बेहोश ही हो जाते हैं, जिनके लिए डॉक्टर्स को बुलाया जाता है ठीक यहीं पर। और जैसे ये सब कुछ शांत होता है तो ड्रामा करने के लिए आगे बढ़ता है एरियल, और जैसे ही चैंपियन की बॉटल को ओपन करता है तो उसकी आवाज किसी गन को फायर करने से कम नहीं होती, और इसलिए सभी लोग डर जाते हैं उसे सुनकर। तो वहीं एरियल उस चैंपियन को पीने लगता है और पीते पीते आगे बढ़ता है टेबल की तरफ, जहां पर ये उठा लेता है एक नाइफ, और इसके हाथ में चाकू देकर तो जैसे सभी लोगों की फट जाती है, और सब उसे शांत होने के लिए कहते हैं ताकि वो किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। तो वही एरियल नीचे झुकता है और जमीन पर पड़े केक को उठाकर वापस से टेबल पर रखता है, और एक टुकड़ा काट कर खाने भी लगता है, और फिर एक टावल से हाथ साफ करते हुए आगे बढ़ता है रुमीना की तरफ, जिसे सभी लोग डरते हुए उसे शांत होने के लिए कहते हैं ताकि वो कोई मारपीट न करे उसके साथ। बट एरियल ऐसा कुछ भी नहीं करता और रुमीना को देखते हुए अपना हाथ फैला देता है, जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि क्या मिला ये सब कुछ करके। और शायद रुमीना को भी अपनी गलती रियलाइज होती है, इसलिए वो भी रोने लगती है यहाँ पर। और इसके बाद जो होता है वो सब कुछ तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, और एरियल सब कुछ भुलाकर उसके साथ डांस करने लगता है, और फिर ये दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं सबके सामने, जिसे हर कोई हैरान हो जाता है और उन्हें अकेले छोड़कर जाने लगता है वहां से, और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। तो मिलते हैं जल्द ही एपिसोड 4 और 5 के साथ, जिसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं, और ये दोनों एपिसोड बेस्ड है रियल इंसिडेंट पर। टिल देन वॉच सम मोर वीडियोस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।